बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, अभी कुछ दिन पहले मौलाना महमूद मदनी साहब दामत बरकातुहू का यूएससी के ख़िलाफ़ और उनकी सियासत के ख़िलाफ़ एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि जिसमें मौलाना महमूद मदनी साहब ने ये कहा था कि यूएससी की सियासत बिल्कुल ग़लत है और वो मुसलमानों को बांटने वाली है, और इससे इस तरह के बयान से कि जिस तरह के बयान असदुद्दीन ओवैसी साहब देते हैं उनसे दूसरों लोगों को फ़ायदा ज़्यादा होता है, असद साहब को फ़ायदा कम होता है। तो ये बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और इस बयान को लेकर के बहुत से मुसलमान तशवीश में थे। लेकिन अब इस बयान से मुतालिक ही असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है, लेकिन ये तहकीक नहीं है कि ये बयान पहले का है या अभी का है। एक एंकर, न्यूज़ एंकर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मौलाना महमूद मदनी के ताल्लुक से इस तरह के सवालात करते हैं कि महमूद मदनी साहब ने ऐसा कहा वैसा कहा, तो असदुद्दीन ओवैसी का जवाब सुनिए। ये वही असदुद्दीन ओवैसी है कि जिनके ताल्लुक से मौलाना महमूद मदनी का बयान अभी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि जिसमें मौलाना महमूद मदनी ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को और उनकी सियासत को गलत बताया था और उनके पीछे उनके बयानात पर तालियां बजाने वालों को भी गलत कहा था। ये वही असदुद्दीन ओवैसी है कि जो संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर संसद तक हर जगह पर मुसलमानों की एक आवाज़ बने हुए हैं, और ख़ास तौर से ऐसे वक्त में कि जबकि मुसलमान दो अहम मसलों से गुजर रहे हैं, दो प्रोपेगंडे जो हुकूमत की तरफ से, मौजूदा हुकूमत की तरफ से जिस तरह से मुसलमानों पर जो तरह तरह के बिल उनके खिलाफ लाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब तने तनहा खड़े होकर के उस बयान के खिलाफ और उस बिल के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ उठने वाले हर कदम के खिलाफ वो संसद से लेकर सड़क तक मुसलमानों के कंधे से कंधे मिला करके खड़े हुए हैं। जब एंकर ने महमूद मदनी के ताल्लुक से असदुद्दीन ओवैसी से कहा तो कितने ही अदब व एहतराम के साथ न्यूज़ एंकर को, मीडिया एंकर को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मौलाना का नाम लिया, मौलाना को मुबारकबाद भी दी और एंकर को बिल्कुल खामोश कर दिया। आप भी उस वीडियो को देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो नज़र आ रहा होगा कि जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब एंकर का जवाब मौलाना महमूद मदनी के ताल्लुक से दे रहे हैं। एक के बाद एक के बाद आराम से आराम। मौलाना मदनी कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा हैं, इसलिए हाँ मौलाना मदनी कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा हैं, इसलिए लड़ाई को सड़कों पे लाना चाहते हैं, जबकि उनका स्टैंड क्लियर है। मौलाना महमूद भाई ने क्या कहा? कहा कि आप एक्स्ट्रा हैं, आप इस बात को मुझे कहा सड़कों के ऊपर लाना, मेरा नाम लेकर कहा, मेरा नाम लेकर कहा, आप क्यों लड़ाना चाह रहे मुझे मौलाना महमूद मदनी साहब से? अरे अरे ऐसा मत करिए ना, वो उनके एक जमीतुलमा एक जिम्मेदार तंजीम है। मैं मौलाना महमूद मदनी साहब को आपके ज़रिए से मुबारकबाद देता हूँ, वो उसके सदर बने हैं, वो उनको पूरा इख्तियार है अपनी तंजीम का फैसला लेने का। आपने वीडियो देखा कि ये है असदुद्दीन ओवैसी कि जिनकी रगो रेशों में मुसलमानों के ताल्लुक से जो मोहब्बत और जो उनसे लगाव और जो लीडर मुसलमानों का होना चाहिए सही मानों में, वो इस बयान से झलक रहा है। इतनी खिलाफ बातें होने के बावजूद भी मौलाना महमूद मदनी के ताल्लुक से जब उनसे सवाल किया गया तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या जवाब दिया। उम्मीद करता हूं कि आप भी इस बयान से मुत्तफिक होंगे और असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत इस बयान के बाद मुसलमानों के दिलों में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।